तो हम लोग आए हुए हैं हमजा का फ्लैट का रेंट देने। पहली बार फ्लैट ले रहा है, सिंगल फ्लैट। तो $150 का पड़ा है इसका फ्लैट, और $150 यहाँ पे एडवांस लगता है, जो आपको एडवांस देना होता है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स है जो आपको दिमाग में रखना है जब रूम लेते हुए। तो जी फ्लैट मैंने जो है वो ले लिया है, ठीक है। पहले जब मैं फ्लैट देखने के लिए आया था, मैंने यहाँ पे एडवांस दिया था, ठीक है। एडवांस देने के बाद एडवांस में आप कुछ भी दे सकते हैं, $10, $20, $50। उसके बाद मैंने टाइम लिया था कि मैं इस डेट को आगे कॉन्ट्रैक्ट शुरू करूँगा और आके नेक्स्ट आगे जो है ना वो पैसे दे के तो रहना शुरू करूँगा। तो आज मैंने रिमेनिंग पैसे देने, मतलब रेंट, देन द लास्ट मंथ रेंट, एंड देन द एजेंट फीस। एजेंट फीस होती है हाफ रेंट के, तो ये टोटल हमने पे करना होता है। और अभी ये देखिए आप, अभी यहाँ पे जो है सारा वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे एजेंट बैठा हुआ है, वो लेफ्ट साइड पे ओनर बैठे हुए हैं, तो पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये कि कीज मिल जाएंगी मुझे, तो ये कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, ठीक है, जो भी मंथ का आएगा एट लास्ट, और रेंट देना होता है, लेकिन फिक्स डेट फिक्स टाइम, अदरवाइज ये लोग मतलब बुरा मान जाते हैं। तो ये जो फ्लैट है ये अच्छा है, बिल्कुल मेट्रो के पास भी है और यूनिवर्सिटी के एम उसके पास है, इसके अलावा ली शिल्पो वो भी पास है। बाकी ये कि आपको दिखाते हैं अभी क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये आपने सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है 6 माह का भी, 1 साल का भी। फैमिली तो आपने फैमिली तो अपना नाम लिख दे फिर से, इधर होगा एक और। इसके अलावा पुष्पित का जो अपना वीज़ा वो ज़रूर साथ सब लेके आए जब भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए। पेपर भी बाकी आपको ये पेपर देंगे, वो एक पेपर उनके अपने पास, एक अपने पास रखेंगे और आपको एक देंगे। इसमें सारा डिटेल्स मेंशनड होता है, जैसे कि 4500 ग्रीवना है जो रेंट है आपको हर महीने पे करना है, और बाकी नीचे साइन है, यह सब एड्रेस और ऑनर का नाम मेंशन होता है, ये सब ये आपको अपने पास रखना है पेपर को। People who lived here, they left everything in order. You know, the furniture here is you know, is in right condition. Yes, yeah. But you, if you will be rough, if you will like jump on the sofa, it will break. Yeah, obviously. You know. So, please be careful about these things, and I hope that everything will be fine. For sure. I want to say you that in a week or so I came here to watch okay. that everything is okay. 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 I don't want to do this, but I want to be sure. Yes. No problem. If you live here in for a long period, in further times, I will not bother you at all. I don't want to do it. I have my own business. And I don't want to waste time on these things, yeah, yeah, but I okay. have to. So, and I ask you to be careful with your payments. Yes. Okay. So, because I don't want to wait for a long time because mm-hmm. now I have a meeting and I'm in a hurry really. So, can you give me maybe write your number? Okay. I don't see the number. Number actually. Or we should have the telegram, okay? टेलीग्राम यस। टूर कराते हैं हमजा का फ्लैट। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी के पास में है, तो यूनिवर्सिटी के पास में ये सेंटर है खारकीव का, तो बहुत ही कॉस्टली है। $150 में आपको सिंगल रूम मिलेगा, स्टूडियो टाइप का। तो फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ से आप बगल में शिल्पो है, जिम भी है पास में, आपको दिखाएंगे। बाकी ये यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है, इसको बेड बन जाएगा ये, और एक और सोफ़ा यहाँ पे है। ये आपका ये कबर्ड है, मिरर लगे हुए हैं, बाकी ये तो पुराना रखी हुई है, और फ्रीज ये लोग प्रोवाइड किया है, और वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन भी दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी दूसरा एक आपको एक डाइनिंग हॉल की तरह बैठने के लिए टेबल, बाकी आप चाहे तो इसको यहाँ से आप लाकर इसको आप क्लोज कर सकते हैं। आपको सेंटर में यही मिल सकता है, सेंटर में आपको $150 में यही मिलेगा। और बाकी ये है
आपका बिजली बिल जितना आएगा वहाँ पे उसको हर महीने देना है, और ये वॉशरूम इस साइड है, वॉशरूम कौन सा है? अच्छा, और ये शावर है, और ये आपका टॉयलेट। हॉस्टल टाइप का ही है तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे। फाइनली जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि आपने फ्लैट तो ले लिया है तो इसको तोड़ फोड़ नहीं करना है, अच्छे कंडीशन में रखना है इसको, नहीं तो जो एडवांस आपने दिया हुआ है वो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम करेंगे, नहीं देंगे क्या हमजा? हाँ, इसमें ये है कि देखें, आपने जो जैसे आपको मिला है आपने एज इट इज़ रखना है, चीज़ों को तोड़ना नहीं है, गंदा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप मतलब पूरे फ्लोर को तंग नहीं करना है, अपने नेबर्स को तंग नहीं करना है, शोर शराबा रात को 10-11 बजे के बाद नहीं करना है, क्योंकि हम फॉरेनर हैं, ठीक है, तो हम पे भी कुछ रूल्स लागू होते हैं, ये लोग भी थोड़े से सारा दिन थके हुए काम से आते हैं, तो हमें चीज़ों को फॉलो करना है, हम भी फिर अच्छे से रहेंगे, ये भी अच्छे से रहेंगे, वरना ऑनर को शिकायत जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो ये सब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। अपना भी एक नेशनलिटी का भी एक चीज़ होता है कि आप इंडिया से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसको। बात ये है कि अगर आपको अच्छा फ्लैट चाहिए ना जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो अपनी मतलब के जिसे लेंगे गिफ्ट में, उसमें ये होगा कि आपको एटलीस्ट $200 पे करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। $200 का मतलब ये कि $200 रेंट, 200 ही एडवांस और 100 एजेंट फीस, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और जो है पानी के बिल अलग से। तो देखें, हमने अपनी रेंज के हिसाब से देखना होता है। अभी मुझे ये सूटेबल था क्योंकि यहाँ से मेट्रो पास है, यहाँ से जिम पास है, यहाँ से शिल्पो पास है जो कि सुपर मार्केट है, यहाँ से यूनिवर्सिटी पास है, तो ये चीज़ें जब पास है तो मुझे फिर मैं और अकेला बन रहा हूँ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हमारी हो कोई है नहीं, तो इसलिए ठीक है। तो और यही देखिए, खारकी में सबसे बड़ा खासियत यही है, आपके पास अब बजट आपका तगड़ा है, अच्छा है, तो आप सेंटर में रह सकते हैं। अगर बजट आपका थोड़ा सा लो है तो आपका अच्छा, आपको अच्छा फ्लैट ही मिल सकता है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउटसाइड में, फिर भी आप मेट्रो से आप 15-20 मिनट में सेंटर आ सकते हैं। तो दोनों के लिए बजट जिसका लो है हाई है दोनों रह सकता है खारकी में अच्छे से। तो यही वीडियो था आपको, मैं पूरा आप सोचा आपको बना के दिखाते हैं आप लोगों को जी, फ्यूचर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए। तो आप भी हमें कहते हैं लाइक सब्सक्राइब ताकि हम भी $200 वाला फ्लैट ले। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।